नमोस्तु गुरुदेव। हमारी उम्र बिना रुके सफर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के साथ खड़े रहते हैं। महाराज जी, इच्छाओं को सीमित करना व अपनी शक्ति अनुसार रखना किस प्रकार संभव है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उम्र का सफर पूरा हो जाए और इच्छाएं वहीं अधूरी रह जाएं। ये तो आपको सोचना है कि हम उतनी इच्छाएं कर सकें, करें सुबह उतनी इच्छा करें कि शाम को दिन अस्त होने के पहले पूर्ण हो जाए। यदि हमारे सुबह की इच्छा शाम को बिस्तर पर सोते समय आ गई, समझ लेना आप फेल हो गए, आपने अपनी नींद खराब कर ली। या तो सुबह इच्छाएं सोच के करो कि मैं शाम तक पूर्ण नहीं हो, तो तुरंत उसे शाम को घर लौटने के पहले बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। एक आपका बट्टा खाता होता है, वही खाते में। बट्टा खाता का अर्थ क्या है? मतलब ये चीज चली गई, खत्म हो गई, अब कोई काम की नहीं रही। तो बट्टा खाता गलत, अब वो आने वाली नहीं, इसलिए उस शिक्षा को बट्टे खाते में डालो और निश्चिंत हो जाओ। और अपने कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो एक महीने की हैं तो एक महीने में हम पूरी कर लेंगे, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो साल भर में पूरी होंगी, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं कि जिनको मालूम है तुम्हें कि हम मरने के पहले पूरी कर सकते हैं, तो एक इच्छा। और लेकिन जैसे ही अपने जीवन का अंत आवे तो या तो इन इच्छाओं को पूरी करो, अन्यथा जो इच्छाएँ थी उनका टेंशन मत पालो, उनको बट्टे खाते में डाल दो, खत्म। मरने के पहले कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाए उसको तुरंत बट्टे खाते में डालो, मैं इस इच्छा को वापस लेता हूँ और अब मुझे ऐसी कोई इच्छा थी लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छाएं इतनी बड़ी हो गई कि मेरी जिंदगी कम पड़ रही है, ऐसा करना चाहिए।